हेलो नमस्कार, मैं विजय ठाकुर स्वागत करता हूं आपका एक और नए वीडियो में। बहुत सारे लोग वर्कआउट तो अच्छा करते हैं, उनकी डाइट भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन 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 जाने अनजाने में बहुत सारे लड़के ऐसी गलतियों को कर जाते हैं, ऐसी छोटी मोटी मिस्टेक को कर जाते हैं जिसकी वजह से उनकी बॉडी की ग्रोथ रुक जाती है और उनको मनचाहे रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम 5 पॉइंट को कवर करेंगे। पहले पॉइंट में हम जानेंगे कि जो लोग दुबले पतले लोग हैं उनको बॉडी का साइज बढ़ाने के लिए वर्कआउट कब, कैसे और कितना करना चाहिए, और मोटे लोगों को फैट लॉस करने के लिए क्या करना चाहिए। दूसरे पॉइंट में हम समझेंगे कि मसल्स का साइज तेज़ी से गेन करने के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और तीसरे पॉइंट में हम समझेंगे कि बॉडी बनाने के लिए क्या खाना चाहिए। चौथे पॉइंट में हम समझेंगे कि जब आपकी बॉडी उठान पर होती है, यानी जब आपकी बॉडी ग्रो करने पर होती है, तब आपको कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। पांचवें पॉइंट में हम समझेंगे कि वो कौन से 4 ऐसे फूड हैं जो बॉडी बनाने में सबसे ज़्यादा आपकी मदद करते हैं। तो अब आपका बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, पतले लोगों को साइज गेन करने के लिए वर्कआउट कैसे और कितना करना है, और मोटे लोगों को फैट लॉस करने के लिए क्या करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप एक दुबले पतले व्यक्ति हो तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि खाली पेट आपको वर्कआउट नहीं करना है। अगर आप हमेशा खाली पेट वर्कआउट करते हो तो आपकी बॉडी का साइज बढ़ने की जगह कम होने लगेगा, क्योंकि बॉडी का साइज बढ़ाने के लिए आपको हमेशा अपनी बॉडी को कैलरी सरप्लस में रखना है। तो प्री वर्कआउट मील आपको जरूर लेना चाहिए। देखो, प्री वर्कआउट में आप 250 ग्राम उबले हुए शकरकंद या फिर 2 केले ले सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक चीज आप वर्कआउट करने से 30 मिनट पहले ले सकते हैं। शकरकंद और केले से आपकी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट और पोटासियम अच्छे अमाउंट में मिल जाता है, जो कि एनर्जी और बॉडी का साइज बढ़ाने के लिए जरूरी है। जिम के अंदर आपको 1 घंटे से ज़्यादा का वर्कआउट नहीं करना है, हफ्ते में 1 ही मसल्स पार्ट की एक्सरसाइज करनी है, और प्रोग्रेसिव ओवरलोड लगाना जरूरी है। देखो, प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब होता है कि जितना वेट आपकी बॉडी बहुत आसानी से उठा लेती है, उस वेट से आपकी बॉडी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हर हफ्ते आप जो भी एक्सरसाइज आप करें उसमें आपको कुछ ना कुछ वेट इंक्रीज जरूर करना है। इसी को प्रोग्रेसिव ओवरलोड कहते हैं, और मसल्स गेन करने के लिए प्रोग्रेसिव ओवरलोड लगाना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, जो लोग मोटे व्यक्ति हैं जिनको फैट लॉस करके एक मस्कुलर बॉडी चाहिए, उनको भी कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है कि वर्कआउट करने से पहले आपको कोई भी फूड कंज्यूम नहीं करना है। आपकी बॉडी में जो पहले से ही फैट स्टोर है, आप वर्कआउट के दौरान एनर्जी के लिए उसी फैट को यूज करें तो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। आप वर्कआउट करने से 10 मिनट पहले 1 ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हैं, जिससे कि आपको फैट लॉस करने में मदद मिलेगी। जिम के अंदर आपको 1.5 से 2 घंटे की इंटेंस वेट ट्रेनिंग करनी है, और वर्कआउट फिनिश होने के बाद में 20 मिनट का कार्डियो आपको जरूर करना है। पॉइंट नंबर 2, मसल्स का साइज गेन करने के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, वैसे तो हर बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, लेकिन 4 ऐसी एक्सरसाइज है जिनसे आपके मल्टीपल मसल्स एक साथ काम करते हैं, और इन एक्सरसाइजों से आपके मसल्स का साइज भी तेजी से गेन होता है। देखो, जिस दिन आपका चेस्ट का वर्कआउट होता है उस दिन आपको बारबल बेंच प्रेस जरूर लगाना है, और बैक वाले दिन आपको डेड लिफ्ट एक्सरसाइज जरूर करनी है, शोल्डर वाले दिन आपको बारबल मिलिट्री प्रेस जरूर करना है, और लेग वाले दिन आपको स्क्वाट जरूर लगानी है। ये 4 कंपाउंड एक्सरसाइज हैं, और जितनी भी कंपाउंड एक्सरसाइज होती हैं उनसे हमारी बॉडी का साइज दुगना तेजी से बढ़ता है। इसके पीछे का कारण क्या है कि कंपाउंड एक्सरसाइज करने से हमारे शरीर में टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ता है, और शरीर में जितना ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन होगा उतनी ज़्यादा हमारी मसल्स गेन होगी। पॉइंट नंबर 3, बॉडी बनाने के लिए क्या खाना चाहिए। दोस्तों, मसल्स बनाने के लिए प्रोटीन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कार्बोहाइड्रेट और हेल्दी फैट एनर्जी के लिए, और फाइबर पेट की सफाई, पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी होता है। सारी चीज़ें आपको आसानी से मिल जाती है, लेकिन प्रोटीन जुटाना थोड़ा मुश्किल काम होता है, और इस मुश्किल काम को आसान बनाने के लिए आप वे प्रोटीन को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। अगर आपका प्रोटीन का बजट नहीं है तो आप अंडे, चिकन ब्रेस्ट और मछली को भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। जो लोग शुद्ध शाकाहारी हैं उनके लिए पनीर, सोया, टोफू, दूध और सभी किस्म की दाल प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। पॉइंट नंबर 4, जब आपकी बॉडी उठान पर होती है, यानी ग्रो करने को तैयार होती है,
तब आपको कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, जब आपकी बॉडी बनने को तैयार होती है तब आपको कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना होता है। एक तो आपकी डाइट में कोई भी ऐसा फूड नहीं होना चाहिए जो मैदा और शुगर से बना हो, बहुत ज़्यादा तला भुना हो, क्योंकि इन चीज़ों में न्यूट्रिशन ना के बराबर होते हैं। दोस्तों, जब आपकी बॉडी उठान पर होती है तब आपको ऐसे फूड का चुनाव करना है जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, हेल्दी फैट और फाइबर की उचित मात्रा होनी चाहिए। आप लोग क्या गलती करते हो कि इधर आपकी बॉडी बनने को तैयार है उधर आप फास्ट फूड और जंक फूड का सेवन करने लग जाते हो, तो ऐसे में बॉडी बनने की जगह बिगड़ भी सकती है। और ये वो सबसे बड़ी मिस्टेक है जिसे बहुत सारे लड़के जाने अनजाने में कर जाते हैं। अगर अभी तक आपको ये बात पता नहीं थी तो कोई बात नहीं है, अब आपको पता चल गया है, ऐसी गलती मत करना। पॉइंट नंबर 5, कौन कौन से 4 ऐसे फूड है जो मसल्स बिल्ड करने में काफ़ी मदद करते हैं। दोस्तों, पहला फूड है अंडा, क्योंकि इसमें प्रोटीन के साथ साथ में अमीनो एसिड, हेल्दी फैट और ढेर सारे विटामिन मिनरल्स भी मिलते हैं। अंडा प्रोटीन पाउडर की तुलना में काफ़ी सस्ता है। प्रोटीन पाउडर आपको 15 मिनट में डाइजेस्ट होता है और अंडा 25 से 30 मिनट में डाइजेस्ट हो जाता है। और बहुत सारे प्रोटीन फूड ऐसे भी हैं जिनको डाइजेस्ट होने में 2 से 3 घंटे का समय लगता है, इसलिए अंडे को सुपर फूड का दर्जा दिया गया है और सभी बॉडी बिल्डर्स का ये फेवरेट है। दूसरे नंबर पर केला भी एक सुपर फूड है। ये कार्बोहाइड्रेट, पोटासियम का बहुत अच्छा सोर्स है। केला आपको तुरंत डाइजेस्ट होकर एनर्जी देता है, इसलिए ज़्यादातर बॉडी बिल्डर प्री और पोस्ट वर्कआउट में केला खाना पसंद करते हैं। तीसरे नंबर पर है ब्लैक कॉफ़ी। अगर आपको बहुत थकावट महसूस होती है तो तुरंत एनर्जी के लिए आप 1 कप ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हैं, एनर्जी आपको तुरंत मिलेगी। इसके अलावा ब्लैक कॉफ़ी एक बहुत ही अच्छा प्री वर्कआउट ड्रिंक भी है। इसमें कैफीन अच्छे अमाउंट में होता है जो कि आपको वर्कआउट के दौरान एनर्जी देता है और वर्कआउट पर आपके फोकस को बना कर रखता है। चौथे नंबर पर ओट्स है और ओट्स को बॉडी बिल्डिंग में सुपर फूड का दर्जा दिया गया है। ये इजी टू डाइजेस्ट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट का और फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है। इसमें प्रोटीन भी आपको थोड़ा बहुत मिल जाएगा। तो ये जो मैंने आपको 4 फूड बताए हैं, अगर आपको मसल्स गेन करना है तो ये फूड आपकी डाइट का हिस्सा ज़रूर होने चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और इसी तरह के यूजफुल कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।